हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल ऑफ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। सो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है कोरोनरी सर्कुलेशन। आप सबको पता है कि आजकल हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम वाले टॉपिक पे फोकस कर रहे हैं और ये वीडियो सीरीज मैं बेसिकली क्लास 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ। तो माय टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कोरोनरी सर्कुलेशन। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। So what is coronary terms refer? This term here, it will tell about coronary artery. I think you all know coronary, it is related to heart. Okay. So we have studied in last video, there are two types of circulation, that is one is called pulmonary circulation and another was called systemic circulation. So double circulation, I have made a separate video on double circulation. So this video is totally on coronary circulation. So beside two routes of circulation, pulmonary and systemic, there is another route that supply blood to heart muscles. Here we are going to supply blood to heart muscles. Blood ki supply hume kisko karni hai? Heart ki muscles ko. Aur is tarike ke pathway ko hum log coronary circulatory pathway bolte hain. और कोरोनरी सर्कुलेशन एक ऐसा सर्कुलेशन है ब्लड का जो विद इन द हार्ट मसल्स स्टूडेंट्स होता है। हार्ट से ही ब्लड को पंप करना है और डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा था, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हार्ट है वो अगर लंग्स के लिए स्पेशली काम कर रहा है तो वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंडर आएगा और एक्सेप्ट लंग्स जितने भी पार्ट है वो सिस्टेमिक में आ रहे थे, लेकिन जो हार्ट अपने ही हार्ट के मसल्स को ब्लड प्रोवाइड करेगी वो सर्कुलेशन कोरोनरी सर्कुलेशन कहलाएगा। तो कोरोनरी आर्टरीज जितनी भी होती हैं स्टूडेंट्स, मैंने आर्टरीज वेन्स पे एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया है और मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता दूं कि आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है और आप कह सकते हैं दे ऑलवेज कैरी प्योर ब्लड। सो यहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरीज होंगी वो ब्लड को सप्लाई करेंगी हार्ट में through arteries which is arising from aorta. I already told you this is the main artery. Aorta, this is called main artery. तो यहाँ पे जो blood circulate होगा through aorta होगा, from aorta होगा of the heart. और जो deoxygenated blood है वो return होके आएगा right atrium में of heart के via किसके through आएगा? Coronary veins के through. आप सबको पता है कि वेन्स का काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है या फिर इम्प्योर ब्लड। तो जो ब्लड वापस आएगा कहाँ पर वापस आना है स्टूडेंट्स? इसको राइट एट्रियम। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हार्ट के चैम्बर्स के बारे में भी बताना चाहूंगी। आई थिंक आपको पता भी होगा कि जो ह्यूमन हार्ट है इसमें फोर चैम्बर्स होते हैं। तो फोर चैम्बर्स में अगर हम लोग बात करें तो राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये वापस से कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू आएगा स्टूडेंट्स? कोरोनरी वेन्स के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट कोरोनरी सर्कुलेशन। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू स्टूडेंट्स। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप वी विल मीट सून।